बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.7। 4.7 में जो टॉपिक है वो है जी नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट मिलते हैं हमें वो किस किस तरह के हो सकते हैं, उनकी नेचर क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में होती है। और अगर आप इसके रूट्स की बात करें तो रूट्स हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यूज़ करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी स्क्वेयर रूट ओवर टू ए। ठीक है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, ये दो रूट हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब जो रूट्स की नेचर है वो ये वाला जो फैक्टर है बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, इससे डिसाइड हो। ठीक है, तो इस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी वाला जो फैक्टर है हम इसका एक नाम रखा हुआ है, इसे कहते हैं जी डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इधर लिख देता हूँ डिस्क्रिमिनेंट विच इज बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। तो इसी से डिसाइड हो जाएगा कि हमारे डिस्क्रिमिनेंट से एक के रूट की नेचर क्या होगी। ठीक है, तो इसके तीन केस बना लेते हैं हम यहाँ पे। इधर मैं केस वन में क्या है, व्हेन बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इज जीरो, और इधर नेचर लिख देते हैं, इधर रूट्स और इधर इसकी नेचर लिख देता हूँ, इधर मेंशन कर देता हूँ, इधर हम इसकी नेचर लिखेंगे। अच्छा, इन केस में बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इज जीरो, तो रूट्स किस शेप में होंगे, रूट्स होंगे रियल एंड रिपीटेड। केस टू में व्हेन बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव नंबर मिल जाए हमें, ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाए तो रूट्स क्या आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और केस थ्री में, When b square minus 4ac is less than 0, तो roots क्या आएंगे, imaginary या complex भी हम जो iota की form में होते हैं। और case 4 भी है, ठीक है, book में वो case 4 mention नहीं किया हुआ, लेकिन आप अगर उसकी reading करें तो आपको मिल जाएगा। When b square minus 4ac is a perfect square, जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो रूट्स आपके किस शेप के होंगे, रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे, रैशनल और डिस्टिंक्ट। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कोई भी कंप्लीट स्क्वायर रूट, मतलब फॉर एग्जांपल 4 है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। इसी तरह 16 हो सकता है, 9 हो सकता है, 25 हो सकता है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले केस में हमारे रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। तो ये आपकी चार केसेस हैं जिनको हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 4.7 में। एक्सरसाइज 4.7 डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस का आपने नेचर फाइंड करनी है रूट्स की। तो इसमें सारे जैसे ही हैं, कोई एक आधा पार्ट, मतलब फॉर एग्जाम्पल पार्ट 3 डिस्कस कर लेता हूँ। 2x square minus 5x plus 1 is equal to 0, इसका हमने नेचर फाइंड करनी है इस इक्वेशन के रूट्स की। तो 2x square minus 5x plus 1 is equal to 0, वैल्यू लिख लेते हैं, a की वैल्यू क्या है जी 2, b is minus 5 and c is 1। हमें यहाँ पे रूट नहीं फाइंड करना है, सिर्फ नेचर चाहिए, तो हम डायरेक्ट ये डिस्क्रिमिनेंट यूज करेंगे और उसी से नेचर बता देंगे कि कौन सी है। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या है इस केस में, डिस्क्रिमिनेंट को इन शॉर्ट आप बी ए या सी भी लिख सकते हैं, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। वट इज बी, बी स्क्वेयर इज माइनस फाइव स्क्वेयर 25 माइनस फोर इंटू टू इंटू वन,
तो ये हो जाएगा 25 माइनस 8 विच इज 17 और ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है तो रूट्स क्या आएंगे, सो रूट्स विल बी रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये वाला पॉजिटिव वाला केस। इसी तरह क्वेश्चन टू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन टू है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रियल, के रूट्स इसके क्या हैं रियल, अब शो करके दिखाना है। तो रूट्स रियल किस केस में होते हैं, या तो इक्वल टू जीरो आए या ग्रेटर देन जीरो आए, इन दोनों केसेस में देखें रियल एंड रिपीटेड रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो इक्वल टू जीरो भी आ सकता है और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बस नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, तो हम चेक करते हैं क्वेश्चन टू को। ये एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एम प्लस वन ओवर एम एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, इसका सोल्यूशन चेक कर देखते हैं। अब हमने शो करना है, ये देखें शो करने का रूट्स क्या हैं रियल हैं, तो वही इसी तरह ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं, फिर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। ए इज वन, बी इज माइनस टू इंटू एम प्लस वन ओवर एम एंड सी इज थ्री, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, अब हम खुद इसको ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो नहीं करेंगे, ये खुद ही आएगा, आना चाहिए क्योंकि हमें शो करना है। तो बी का जब स्क्वेयर करोगे टू का स्क्वेयर फोर एम प्लस वन ओवर एम होल स्क्वेयर माइनस फोर ए इज वन सी इज थ्री, तो ये मिल गया फोर स्क्वेयर ओपन कर दें एम स्क्वेयर प्लस वन ओवर एम स्क्वेयर प्लस टू एम और वन ओवर एम कैंसिल हो जाएंगे माइनस ट्वेल्व, तो इन दोनों टर्म्स में से फोर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा फोर इंटू एम स्क्वेयर प्लस वन ओवर एम स्क्वेयर प्लस एट माइनस ट्वेल्व, तो फाइनली फोर इंटू एम स्क्वेयर प्लस वन ओवर एम स्क्वेयर ये आ जाएगा माइनस फोर, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है फोर, तो बाकी क्या बच जाएगा एम स्क्वेयर प्लस वन ओवर एम स्क्वेयर माइनस वन। अब इसको कंप्लीट स्क्वेयर करने के लिए एम स्क्वेयर प्लस वन ओवर एम स्क्वेयर इसको मैं लिखूंगा माइनस टू प्लस वन, वो भी माइनस वन ही रहेगा विच इज इक्वल टू फोर, इसको नेक्स्ट इधर लिख देते हैं विच इज इक्वल टू फोर इंटू ये फर्स्ट थ्री टर्म्स तो होल स्क्वेयर हो गया एम माइनस वन ओवर एम का और साथ आ गया प्लस वन। अब देखें क्या ये टर्म कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एम की कोई भी वैल्यू हो स्क्वेयर की वजह से ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो पॉजिटिव में जब वन ऐड करेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव नंबर को फोर से मल्टीप्लाई करने से भी पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दिस शोज दैट इक्वेशन हैज रियल रूट, हमें यही शो करना था कि रूट्स क्या हैं रियल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन थ्री है जी शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रैशनल, अब रूट्स रैशनल कब होंगे, ठीक है ये हमने प्रीवियस पेज से देखते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया रूट्स रैशनल कब होते हैं, जब बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो क्या होता है परफेक्ट स्क्वेयर होता है। क्वेश्चन थ्री का पार्ट टू डिस्कस करेंगे हम, पार्ट वन भी इसी तरह का ही है, ठीक है हमें शो करना है कि रूट्स इसमें क्या है रैशनल है, तो उसी तरह ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं पी एक्स स्क्वेयर माइनस पी माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो वैल्यू ऑफ ए इज पी, वैल्यू ऑफ बी इज माइनस पी माइनस क्यू एंड सी इज माइनस क्यू, सो डिस्क्रिमिनेंट क्या है जी बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वेयर कर करेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी माइनस क्यू स्क्वेयर माइनस फोर ए इज पी एंड सी इज माइनस क्यू, इसका स्क्वेयर ओपन करते हैं ये क्या हो जाएगा पी स्क्वेयर
प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq माइनस माइनस प्लस 4pq, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, और ये किसका, ये होल स्क्वायर नहीं बन गया, p प्लस q होल स्क्वायर। तो जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर है, एग्जैक्ट स्क्वायर बन गया। तो इसके रूट्स क्या हैं, दिस शोज दैट रूट्स आर रेशनल। इसी तरह पार्ट वन भी सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है वो भी। पार्ट वन में इधर लिख रहा हूं, पार्ट वन क्या है जी, पी प्लस क्यू एक्स स्क्वेयर, पी प्लस क्यू एक्स स्क्वेयर माइनस पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। इसको भी शो करना है हमें कि रूट्स इसके क्या हैं, रैशनल हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, p प्लस क्यू, वैल्यू ऑफ b इज माइनस p एंड c इज माइनस q। नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज b की वैल्यू क्या है, माइनस p, तो ये p स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a आएगा p प्लस क्यू और ये आएगा माइनस q। ये बन गया p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4pq एंड प्लस 4q स्क्वायर। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, p स्क्वायर इस 4q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2q होल स्क्वायर, और इस 4pq को भी मैनेज करते हैं 2 × 2q × p। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला कंप्लीट है। ये हो जाएगा p प्लस 2q होल स्क्वायर। अब ये भी कंप्लीट स्क्वायर आ गया, तो ये भी कैश हो कर रहा है कि रूट्स क्या हैं, रेशनल हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। देखें अब सिर्फ वो बी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने से हमें रूट का आइडिया हो रहा है। 4 है जी, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ m, विल द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बी इक्वल। m की किस वैल्यू के लिए रूट क्या है, इक्वल हैं। इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं पहले, वो है m प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू m प्लस 3 एक्स प्लस m प्लस 8 इज इक्वल टू 0 सॉल्यूशन। अब रूट्स हमने क्या शो करवाने हैं, रैशनल। तो रैशनल के सॉरी रैशनल नहीं, इक्वल। इक्वल किस केस में होता है, ये अब मैं आपको दिखाता हूँ। इक्वल ये जो रिपीटेड है ये इक्वल ही है, रियल एंड इक्वल, ठीक है, रिपीट इक्वल वाला केस है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो होना चाहिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज m प्लस 1, b इज 2 इंटू m प्लस 3 एंड c इज m प्लस 8। तो डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस केस में हम इसको खुद जीरो रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें यही डिमांड किया गया ये क्वेश्चन में देखें कि m की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें रूट्स क्या हो, इक्वल हो। तो रूट इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो पुट करते हैं, b की वैल्यू है 2m + 3, 2 का स्क्वायर 4 और m प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4, a इज m प्लस 1, c इज m प्लस 8। तो 4 इसको स्क्वायर ओपन कर दें, m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6m माइनस 4 m स्क्वायर प्लस 8m प्लस m प्लस 8, दोनों में से 4 कॉमन आएगा, तो क्या बच जाएगा, m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9, ये माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस m स्क्वायर, ये 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, तो इसको मैं एक ही बार लिख रहा हूँ, माइनस 9m, और ये माइनस क्या हो जाएगा 8, 4 ये और 4 ये कॉमन आ गया। अब ये 4 इस साइड पे, दूसरी साइड पे 0 के साथ जाके 0 हो जाएगा, डिवाइड हो के ये हो जाएगा m स्क्वायर। अच्छा अब कुछ कटिंग भी हो रही है, साथ ही पहले कटिंग कर लेते हैं। अब देखें ये m स्क्वायर और ये m स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, बाकी क्या बच गया, 6m माइनस 9m, 6 माइनस 9 इज माइनस 3m
plus 9 minus 8, which is plus 1. So this implies that 3m is 1. So value of m is 1 by 3. और यही हमारा फाइनल आंसर है। और हमें m की वैल्यू भी चाहिए थी, जिसके रूट्स क्या हैं, जिसके लिए रूट्स क्या थे, इक्वल थे। इसी तरह एक और पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका, पार्ट सेकंड वाला ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सारे एक जैसे ही हैं। x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3m x प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। सेम प्रोसीजर है, ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं। ए की वैल्यू 1 है, बी क्या है, माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3m, और सी क्या है, 7 इंटू 3 प्लस 2m। डिस्क्रिमिनेंट उसी तरह ही, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 पुट करेंगे तो b की वैल्यू करते हैं, ये का जगह 4 इंटू 1 प्लस 3m होल स्क्वेयर माइनस 4, a 1 है और b क्या है, 7 इंटू 3 प्लस 2m। ठीक हो गया। अब डिस्क्रिमिनेंट को हमने 0 पुट करना है तो ये आ गया 4, इसका स्क्वेयर ओपन कर दें, 1 प्लस 9m स्क्वेयर प्लस 6m, ये हो जाएगा माइनस 7 4 जा 28, 3 प्लस 2m। सो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी, 4 और 28 में 4 कॉमन है तो इसको कॉमन कर लेते हैं। तो 1 प्लस 9m स्क्वेयर प्लस 6m माइनस 4 कॉमन है तो ये 7 आएगा, 7 को मल्टीप्लाई करना है, 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14m, तो 4 दूसरी साइड पे जाके 0 हो जाएगा। तो ये अरेंज कर लेते हैं, 9m स्क्वायर 6m माइनस 14m इज माइनस 8m एंड माइनस 21 प्लस 1 इज माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये मिल गई हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपलीफाई करके m की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, इसके फैक्टर्स देख लें कोई बन रहे हैं तो 18 और 10 बन रहे हैं ना, तो ये देखें 9m स्क्वायर माइनस 18m प्लस 18 और 10 प्लस 10m माइनस 20, क्योंकि 10 इंटू 18 180, 20 इंटू 9 180 4.1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 0 इज इक्वल टू 9m कॉमन, बाकी क्या बच जाएगा, m माइनस 2, और इसमें से 10 कॉमन, m माइनस 2, मतलब फैक्टर्स हमारे ठीक हैं। सो 0 इज इक्वल टू m माइनस 2 9m प्लस 10, तो यहाँ से एक m की वैल्यू मिल गई हमें 2, जो दूसरा m है उसकी वैल्यू मिल जाएगी माइनस 10 बाय 9। तो इन दो वैल्यूज के लिए जो आपकी इक्वेशन है वो आपको इक्वल रूट देगी। तो बाकी क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।